पिछले साल कोरोना महामारी की शुरुआत में सारी इकोनॉमिक और बिजनेस एक्टिविटीज बंद कर दी गई थी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स में भारी गिरावट आ गई थी। लॉकडाउन करके लोगों को घर में बैठने के लिए मजबूर कर दिया गया था। नतीजा ये रहा कि बस भारत ही नहीं, पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर एक दो देशों को छोड़ दें तो दुनिया के सभी देशों की जीडीपी में नेगेटिव ग्रोथ रेट रहा। भारत का केस उस समय बस इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में भी बहुत ही ज्यादा डिस्कस किया जा रहा था, क्योंकि मेजर इकोनॉमीज में सबसे बड़ी गिरावट भारत की ही थी, -23%। लॉकडाउन के कारण ऑटोमोबाइल से लेकर टेक्सटाइल हर एक सेक्टर में ही भारत को नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला। मगर एक सेक्टर ऐसा भी था जिसने संकट की घड़ी में भी भारत को मालामाल कर दिया और ग्रोथ रेट के इतिहास के पिछले सभी रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए, जिसको देखकर भारत ही नहीं दुनिया का कोई भी देश हैरान हो जाएगा। और वो सेक्टर और कोई नहीं बल्कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास के सबसे बुरे दौर में भी भारतीय सरकार को हजारों लाखों करोड़ों रुपए का फायदा दिलाया। दरअसल बिजनेस टुडे, द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेज के हवाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 तक भारत के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स में 18% का ग्रोथ रेट देखने को मिला, जो कि आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा उछाल था। भारतीय सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत के ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स पिछले साल $20.5 बिलियन से बढ़कर $24.4 बिलियन तक पहुंच गए हैं। उससे पिछले साल ग्रोथ रेट 7.5% रहा था। इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा था कि कोरोना महामारी के चलते साल 2020 से 21 में भी ग्रोथ रेट इसी के आसपास या फिर इससे भी कम रहेगा। लेकिन जो भारतीय सरकार ने ताजा आंकड़े रिलीज किए हैं उसने सभी को चौंका दिया है। नॉर्थ अमेरिका, जिसमें कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको शामिल है, इनको टोटल फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स का सबसे ज्यादा 34% एक्सपोर्ट किया गया। वहीं अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग रीजन रहा, जिसने पिछले साल के मुकाबले 13.4% ज्यादा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भारत से इंपोर्ट किए। इसी के साथ तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग रीजन यूरोप रहा, जिसने पिछले साल के मुकाबले इस साल 11% ज्यादा ड्रग्स एंड मेडिसिन इंपोर्ट की थी। पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए इस डेटा ने भारतीय सरकार को बड़ी राह दे दी है। द फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया फार्मेक्सिल के मुताबिक अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स पिछले महीने मार्च 2021 में देखने को मिले और इस एक महीने में ही भारत ने करीब $2.3 बिलियन के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट किए। फार्मेक्सिल के डायरेक्टर जनरल उदय भास्कर के मुताबिक भारत का फार्मा सेक्टर पहले से ही ग्रो कर रहा था, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर ने पिछले सारे फिगर्स और ग्रोथ रेट को तोड़ दिया है और आगे भी भारतीय जेनेरिक मेडिसिन एंड वैक्सीन की डिमांड इसी तेजी से बढ़ने का अनुमान है। उदय भास्कर के मुताबिक फार्मेक्सिल, भारतीय सरकार की कॉमर्स मिनिस्ट्री और विदेशों में भारतीय एम्बेसीज ने एक साथ मिलकर कई बिजनेस मीटिंग्स की और इस पूरी पैंडेमिक के दौरान नई मार्केट्स को पेनिट्रेट करने पर जोर दिया। इस दौरान नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के अलावा भारतीय फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ने 40 नए देशों की मार्केट को पेनिट्रेट किया, जिनमें लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट के कई देश शामिल हैं। इन सबके बदौलत भारत के ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स में पिछले साल के मुकाबले तकरीबन $4 बिलियन का उछाल देखने को मिला, जो कि भारतीय करेंसी में 30,000 करोड़ रुपए के आसपास होता है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय सरकार को अपने देश के नागरिकों से पहले दूसरे देशों को COVID-19 की वैक्सीन देनी चाहिए थी, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।